दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूं डॉक्टर साहबराम के यहां पे, जो इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर नहीं हैं, वो हैं एग्रीकल्चर के डॉक्टर और जिनके पास फील्ड का 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जिस भी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होता है उसके बारे में एक बात कही जाती है कि या तो उस व्यक्ति की बात को गौर से सुन लो या फिर उसके द्वारा लिखे गए किसी आर्टिकल को या किसी किताब को पढ़ लो, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके जीवन के जो 10 साल हैं उनका एक्सपीरियंस लेके अपने जीवन में 10 साल आगे चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। तो आज हम डॉक्टर साहबराम से ये जानेंगे कि मस्टर्ड की खेती जो करते हैं, यानी हमारे जो भाई बंधु सरसों की खेती करते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, और वो हमें देंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे हम अपना उत्पादन भी अच्छा ले पाएंगे और मस्टर्ड की खेती को और अच्छे से कर पाएंगे। और जो हम एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हैं अपने खेत में कि हमें मालूम ही नहीं है कि कौन से खेत में, यानी चावल वाले खेत में क्या डालना है, जिस खेत से अभी अभी हमने कपास ली है उस खेत में सरसों बो रहे हैं तो क्या डालना है, उन चीज़ों का हमें पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें हमें ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग ही बताते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब को सुनते हैं, सिंपल तरीके से खेत में खड़े होकर आराम से आपको पूरा का पूरा ज्ञान दे देंगे। नमस्कार, जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं सरसों के बारे में, तो दोस्तों आज हम लोग एक फील्ड में आए हैं जो मल्टी क्रॉप की अपना एग्जांपल है। किन्नू की खेती की जा रही है, उसके साथ साथ जैसे कॉटन भी उन्होंने लगा रखा है फार्मर ने, तो उसी तरह से हम लोग आज आगे सरसों की बात करेंगे, इसी फील्ड का ही एक एग्जांपल देंगे, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें अभी पानी लगा के इसको तैयार किया जा रहा है आगे सरसों की बुआई के लिए। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अपने को सरसों की बुआई कहाँ करनी चाहिए, कैसी खेत में करनी चाहिए। तो मेनली अगर सरसों की बात करें तो तीन तरह के आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, तीन तरह के भागों में मिट्टी के हिसाब से। नंबर एक बिल्कुल रेतीली मिट्टी, नंबर दो जो मीडियम मिट्टी है जो जहाँ कॉटन की आम क्रॉप होती है, और तीसरी प्रकार की आती है धान की खेती, जहाँ लोगों ने धान लगा रखा है, थोड़े पानी हल्के हैं लेकिन धान की खेती कर रहे हैं और वो सरसों लगाना चाहते हैं। तीनों ही सरसों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन खासकर धान वाले जो किसान हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको नवंबर के महीने में ही बिजाई करनी है सरसों की, ताकि वो ड्यूरेशन जो छोटा रहे, जिससे उसमें ज़्यादा रूट रोट की प्रॉब्लम ना आए और जिससे बढ़िया उनका पैदावार जो रहेगी वो बढ़िया रहेगी। तो बात सरसों की बात होगी, उसके बाद खाद की बात करते हैं। सरसों में अलग अलग एरिया जैसे अपने तीन भागों में बांटा है, तो बिल्कुल रेतीली ज़मीन है वहाँ पे अपने को DAP का ही यूज़ करना चाहिए। प्रति एकड़ की अगर बात करें तो लगभग 40 से 45 किलो DAP जाना ज़रूरी है, जिससे फास्फोरस की पूर्ति अच्छे तरह से होगी। और दूसरा अगर मीडियम मिट्टी है तो वहाँ पे आप NPK का यूज़ कर सकते हो, जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है, जैसे NPK 12-32-16 या अलग अलग फॉर्म में आती है, उसका भी सेम रहेगा, लगभग 40 से 50 किलो प्रति एकड़ बुआई के साथ ही देना ज़रूरी है। और तीसरा जो अगर एग्जांपल ले रहे थे आप धान वाले जो खेत है उसमें, तो धान वाले खेत में अपने को DAP को या NPK नहीं यूज़ करना है, उसमें ऑलरेडी फास्फोरस की बहुत अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पे आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ कर सकते हैं 1-2 बैग। जैसे जैसी अपनी मिट्टी है उसी हिसाब से, अगर मिट्टी में अपने को फास्फोरस लग रहा है ज़्यादा है तो वो ज़रूरी नहीं है अपने को ज़्यादा डालने की, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का डाल दीजिए, बहुत है। और तीनों ही खेतों में, जहाँ तीनों ही तरह की मिट्टी में करना क्या है, सल्फर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आजकल जो ले आप देखते हैं कि मार्केट में जितना भी सरसों जा रहा है जब खरीदते हैं तो उसका लेप चेक करते हैं एक बार कि लेप कितना आया, लेप का मतलब उसमें ऑयल की मात्रा कितनी है, तो ऑयल की मात्रा अच्छी लेने के लिए अपने को सल्फर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप बुआई के साथ भी डाल सकते हो और दूसरा आप पहले पानी पे यानी फर्स्ट इरीगेशन पर भी दे सकते हो। सरसों का अगर बीज की बात करें तो सरसों को अपने ज़रूरी है अपने को हाइब्रिड किस्म ही लेनी है, जिसकी पैदावार बढ़िया आती है और हर एक मौसम को सहन करने की उसकी क्षमता है, क्योंकि देखा होगा कई बार मौसम अलग अलग तरह के रहते हैं, कई बार मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है या बहुत ज़्यादा सूखी ठंड पड़ गई तो जो देसी सरसों हैं उसका नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जो सरसों का बीज ले रहे हैं वो लीजिए, आप हाइब्रिड ही लीजिए ताकि उसकी पैदावार बढ़िया है। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको काफ़ी अच्छा ज्ञानवर्धन जानकारियाँ दी होंगी, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं डॉक्टर साहब से बोल देता हूँ कि वो आपसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आके बात कर लेंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए ABC इंडिया।